सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज हम जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टिक इमर्स्ड इन अ वाटर अपीयर्स बेंड ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। पानी में डुबोई एक छड़ी किसी संवर्ती के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसी भी कोई एक स्टिक है, ठीक है, और उसको जब हम पानी में डुबोते हैं तो वो हमें थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये जो फिनोमिना है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, हिंदी में इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमारे पास फिजिक्स में दो टाइप के ऐसे फिनोमिना है, एक है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। इस फिनोमिना में, परावर्तन में क्या होता है कि कभी भी कोई भी जो लाइट है वो एंटर कर रही है, इसमें डायग्राम में समझिए, ये एक आपकी रे है, ठीक है। जब कभी भी अगर सिचुएशन होगी परावर्तन की, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, तो उस टाइम पे जो लाइट आती है ये सरफेस से टकरा के बाउंस बैक करती है, मतलब कि पाथ से रिफ्लेक्ट करती है। और अगर वहीं पे रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, अपवर्तन की, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास दो मीडियम है, एयर और वाटर, तो इसमें जो रे है यहाँ से ऊपर से आती हुई नीचे सेकेंड मीडियम में चली जाती है। तो इनकी डेफिनेशन देखिए, रिफ्रैक्शन मतलब कि परावर्तन में क्या होता है, यूजुअली अकर्स इन मिरर, ठीक है, द लाइट एंटरिंग द मीडियम रिटर्न टू द सेम डायरेक्शन में लाइट जो है वो बाउंस बैक करके जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि जो आपतन कोण होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये नॉर्मल टू द प्लेन होता है। नाउ नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन में, अपवर्तन में क्या होता है, ये लेंसेज में होती है, लाइट एंटरिंग द मीडियम ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, और इसमें जो आपतन कोण होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होता, इट मीन्स जो आपतन कोण है वो परावर्तन के इक्वल में नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, जे थॉमसन प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एक्शन इज जर्नली कॉल्ड डैश मॉडल। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर डैश मॉडल कहा जाता है। जे थॉमसन के का जो एक मॉडल है वो बहुत ही फेमस मॉडल है, ठीक है। इसका आंसर है पर्लमैन पुडिंग या फिर इसको वाटरमेलन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और जो ये पूरा स्फेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होता है। ये जे थॉमसन ने 1904 में दिया था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी उसके बाद में उन्होंने ये मॉडल दिया था। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश मतलब कि चार्ज कैसा होता है, तो उस पर माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च, पशु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर है इसका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं उसे में से जो बॉडी हमारी है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करती है, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है वो एक टाइप ऑफ शुगर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। आपने देखा भी होगा जब किसी को वीकनेस फील होती है या फिर चक्कर आ रहे होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जब उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें ग्लूकोज की नीड एनर्जी के लिए नहीं होती, तो उस टाइम पे जो एनर्जी की फॉर्म में जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में वो स्टोर होता है हमारे लिवर और मसल्स में। जो ये स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की, ये बहुत सारे कनेक्टिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय द पायरिया आर। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? आंसर है इसका टीथ एंड गम्स, दांत और मसूड़े पायरिया से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ताजमहल इज थ्रेटन्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। ताजमहल किसके प्रभाव से खतरा है, या फिर ताजमहल में जो व्हाइट मार्बल है वो किसकी वजह से खराब हो रहा है या डैमेज हो रहा है? तो इसका आंसर है SO2। SO2 को कहते हैं सल्फर डाई
ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन में जो हम हमारे एटमॉस्फेयर में वातावरण में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसके साथ में जब सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है मींस कि SO2 जब उसके साथ में मिलता है तो एक एसिड का निर्माण होता है, अम्ल बनाता है जिसका जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसकी वजह से क्या होती है अम्लीय वर्षा, मतलब कि एसिड रेन। जो एसिड रेन है वो ताजमहल और बहुत सारे जो खेत होते हैं उन सब चीजों को डैमेज करती है, प्रभावित करती है। इसके अलावा यहाँ पे दो पॉइंट्स और मैंने दे रखे हैं, SO2 कहाँ से, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, इंडस्ट्रीज मिक्स, मतलब जहां पे जो इंडस्ट्री एरिया होता है फैक्ट्री का वेस्ट होता है वहां से ये बहुत एक्सेस में रिलीज होता है। सेकेंड पॉइंट है एसिड रेन ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ SO2 रिएक्ट करके क्या बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, जिसकी वजह से ये मार्बल के साथ में रिएक्ट करता है। मार्बल किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। सल्फ्यूरिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी वजह से ताजमहल की जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो शाइन है उसमें कमी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलती है। इसका आंसर है मैकेनिकल, इसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। लास्ट क्वेश्चन इज पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू द, मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका आंसर है कैप्सिसिन, ठीक है। ये बेसिकली डिराइव हुई है कैप्सिकम वर्ड से, कलरलेस मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता और बहुत ही हाईली तीखापन होता है, ठीक है। इसका यूज किस में किया जाता है कैप्सिकम का, हॉट सॉस या फिर सालसा सॉस, करी, इस टाइप की चीजों में इसको यूज किया जाता है बहुत ज्यादा स्पाइसी बनाने के लिए। इसके अलावा मेडिकल लेवल पे इसका यूज किया जाता है, मेडिकली क्रीम्स में जैसे डायनापर जेल है, मूव है, इस टाइप की जो बॉडी में कहीं पे पेन है, जॉइंट्स में पेन है, उस टाइम पे जो हम क्रीम्स यूज करते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। और आपने देखा होगा इन क्रीम्स के ऊपर स्ट्रिक्टली मेंशन होता है कि इसे आईज से दूर रखें और बच्चों से दूर रखें, क्योंकि इनमें बर्निंग इफेक्ट होता है, मतलब कि ये स्किन को जला देती है, डैमेज कर देती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो यूज है वो पेपर स्प्रे या फिर पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर कैप्सिकम की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, एक्सेस में हो जाता है, तो इससे बॉडी पे रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या फिर जहां पे आपने इसको अप्लाई किया है वहां पे ड्राइनेस सूखा बना जाता है। इसके अलावा जलती तो है ये ट्यूब्स, ये जो क्रीम अप्लाई होती है इस, और इस सब के अलावा इसमें खुजली होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।